कि पिछले साल पंजाब में हड़ नहीं आए? और तबाही कें झूलती है? सवालों में पंजाब सरकार का जवाब, जुलाई 2023 पंजाब विच मी आया, तबाही ले आया, पिंडां दे पिंड डुब गए, हजारां एकड़ फसल तबाह हो गई, पशु मर गए, चारे पासे तबाही दा मंजर सी। ए हड़ सितंबर विच भी आए, उस समय दे सीएम भगवंत मान खुद किश्ती विच सवार होके जलंधर दे लोहियां विच हड़ां दा जायजा लैण भी पहुंचे, वादे कीते, मुआवजे का ऐलान किया, हड़ पीड़ितों नूं मुआवजा देण दा। हालांकि बहुते लोगों नूं मुआवजा भी नहीं मिलिया क्योंकि 2023 विच पंजाब अंदर हड़ आए ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुनिया तुसीं, 2023 विच हड़ नहीं आए। तुहाडे सारयां दे ज़हन विच सवाल जरूर उठेगा कि फिर ये तस्वीरां कादियां ने जिन्हां ने 2023 की तबाही नूं तन ते हंडाया? वो पुछ रहे होणगे कि तुसीं मजाक कर रहे हो। दरअसल ये गल असी नहीं कह रहे, सगो पंजाब सरकार ने अपने जवाब विच कही है। ये जवाब केंद्रीय मंत्रालय नूं भेजा गया है। मान सरकार तो इत्थों तक कह रही है कि पिछले साल जो कुछ होया वो एक घटना सी। जी हाँ, एक घटना 2023 विच, वो भी भारी मींह दी, हड़ां दी नहीं। इसे लिखित जवाब नूं आधार बना के हरसिमरत कौर बादल ने लोक सभा विच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने पूछा कि केंद्र सरकार ने पंजाब नूं पिछले साल पंजाब विच हड़ां नाल हुई मार दा होर सूबे वांग बजट विच मुआवजा क्यों नहीं दिता? तां जाहिर है जवाब की आना सी, क्योंकि पंजाब सरकार इस नूं हड़ी नहीं मंदी ते शायद केंद्र सरकार नूं ये हालात विखाई ही नहीं दिते। माननीय मंत्री जी के रिप्लाई में लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनको बोला है कि पंजाब में नो लास्ट मिनट रिपेयर एम्बैंकमेंट का कुछ नहीं हो रहा है और हर साल पंजाब में फ्लडिंग नहीं होती है। पिछली साल 2023 में हैवी रेनफॉल हुई थी और फ्लडिंग तो 2019 में हुई थी। मैं तो इतना हैरान हूँ कि पंजाब सरकार को मालूम नहीं कि पंजाब में हो क्या रहा है। सब पिछले साल पंजाब में फ्लडिंग दो बारी हुई और 23 में से 21 जिले फ्लड हो गए, हजारों एकड़, 2 लाख हेक्टर पूरा फसल तबाह हो गई, 10,000 से ज्यादा घर तबाह हो गए, 60,000 से ज्यादा पशु मर गए। आपका प्रश्न क्या है? सो सर, मेरा प्रश्न ये है कि क्या स्टेट सरकार को नहीं पता, पर क्या केंद्र सरकार को भी नहीं पता था कि पंजाब में इतनी जबरदस्त फ्लडिंग हुई है? तो जो हुई और इतनी तबाही जो पंजाब में मची है, तो इन्होंने हिमाचल, उत्तराखंड सब जगह जहाँ इन्होंने मुआवजा दिया बहुत अच्छा, लेकिन क्या इन्हों मालूम नहीं था कि 23 में से 21 में पंजाब में सीवियर फ्लडिंग होके सीवियर डैमेज, सीवियर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उनको कोई रिलीफ रिहैबिलिटेशन क्यों नहीं दिया गया? जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य का जो प्रश्न था उसको हमने पंजाब सरकार को भेजा था, उनके ही जवाब के आधार पर हमने उनको लिखित जवाब दे दिया गया है। दरअसल लोकसभा में प्रश्नकाल दौरान साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने केंद्र सरकार को सवाल पूछा सी कि केंद्र नूं की पता है कि हर साल भारी मी झोने की फसल का पंजाब विच बहुत नुकसान करता है अते आखिरी समय विच कीती बन्ना की मुरम्मत का काम फंडा की दुरवरतों अते भ्रष्टाचार का कारण बनता है। यह सवाल केंद्रीय जल स्रोत मंत्रालय वालों पंजाब सरकार नूं भेजा गया तो पंजाब सरकार का जवाब सी कि आखिरी समय विच मुरम्मत का कोई भी काम पंजाब सरकार का जल स्रोत विभाग करता ही नहीं। हर साल हड़ां दीआं घटनावां पंजाब विच नहीं हुंदीआं। जुलाई 2023 विच भारी मींह की एक घटना हुई सी, इस तो पहला पंजाब विच हड़ सितंबर 2019 विच आए सन। कि ड्रेनेज की सफाई के नाम में बहुत बड़ी करप्शन होती है, क्योंकि सफाई सिर्फ पेपर में होता है, ड्रेन्स में तो होता नहीं है। तो क्या सैटेलाइट टेक्नोलॉजी या कोई और तरीके से
इन सफाई का कोई फिजिकल वेरिफिकेशन या पंचायतों के साथ कमेटी बना के। दूसरा मेरा सर इसी के साथ एडिशन ये कि हर साल घग्गर का रिवर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत जबरदस्त वहां पे मार मारता है, हर साल ओवरफ्लो होके उधर पानी फ्लड कर देता है। हमारा घग्गर जो चांदपुरा से जो बंद टूटता है वो हरियाणा की जमीन में है, उतनी जमीन पंजाब सरकार ने ले ली थी, लेकिन जब ओवरफ्लो होने का टाइम आता है तो हरियाणा सरकार उधर 164 लगा के उधर चार जने से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, पंजाब के लोग जाके बंद को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, और पंजाब की जमीन जो नीचे है हरियाणा की ऊंची है वो बंद तोड़ के पंजाब को फ्लड कर देता है। तो क्या जहां हर साल ऐसी चीजें होती हैं, क्या ये केंद्र की सरकार जो देती है पैसे उसके साथ क्या जिस कोई मॉनिटरिंग होती है? माननीय जो प्रश्न था तो नाला वगैरह साफ करना वो राज्य सरकार का प्रश्न है और राज्य सरकार की जवाबदेही होती है, उसके ऊपर हमारा कोई मॉनिटरिंग नहीं होता है। और जो धग्गर नदी के जो बात की, तटबंध की जो बात अभी इन्होंने की है, तो धग्गर स्थायी समिति ने इस नदी पर काम करने की सिफारिश की है। मामला न्यायालय के विचाराधीन है और मॉडलिंग अध्ययन पर राज्यों के अलग अलग विचार भी होते हैं। CWCPRS द्वारा किए गए मॉडलिंग अध्ययन के अनुसार DPR तैयार करने की भी आवश्यकता है, जो राज्य सरकार का काम है। पंजाब डूबिया तो सब ने वेख्या, घरां दे घर डूबदे वेखे। साल 2023 विच दो बार हड़ आए, माफ करना पंजाब सरकार मुताबिक भारी मीह दीआं घटनावां होईआं, एक जुलाई विच ते दूजी बार सितंबर विच। पर हुण सवाल यह है कि पंजाब सरकार नूं अजिहा क्यों कहना पिया, हड़ां नूं महज एक भारी मीह दी घटना क्यों दसना पिया? केंद्र ते तां पंजाब नाल वितकरा करन दे इल्जाम लगदे ही रहिंदे ने, पर इस जवाब तों बाद इंज लग रिहा कि पंजाब सरकार ही पंजाब दे लोकां नाल खड़ी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़।